हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आज पोहा के इंस्टेंट मिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। जब भी भूख लगे और कुछ हेल्दी फटाफट से बनने वाला चाहिए, तो मैगी और मैदा से बनने वाले स्नैक्स को छोड़कर न्यूट्रिशियस पोहा मिक्स को इस्तेमाल करें। देखिए, पोहा का एक एक दाना खुला खुला बना है, साथ ही चटपटा भी है। वर्किंग वुमेन्स, बैचलर और हॉस्टल में रहने वालों के लिए, बच्चे छुट्टियों में घर आए हैं पर हॉस्टल में जाने से पहले उन्हें ये तैयार करके दे दे, उनके काफी काम आ जाएगा। सारी टिप्स को फॉलो करते हुए रेसिपी को तैयार करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर लें। इंस्टेंट पोहा मिक्स को बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च को डालकर ड्राई रोस्ट करें, यानी कि बिना तेल और घी डाले ही इसे सूखा भूनना है, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर सूख सके, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो पोहा मिक्स के बाद में जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर फ्राई करने के बाद इसे निकाल कर हटा लें। वापस से फ्राइंग पैन को आंच पर चढ़ाएं और इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डाला है मैंने। इसमें मूंगफली के दाने डालें और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे क्रिस्पी होने तक पका लें। तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, पर तेल में बना हुआ इंस्टेंट पोहा मिक्स से कभी कभी बाद में स्मेल आ जाती है। मूंगफली चटकने लगी है तो साइड करें और यहाँ पर 1 टेबल स्पून राई के दाने और इतना ही साबुत जीरा डालें। कुछ करी पत्ते डालने हैं, तो करी पत्ते को पहले ही धोकर रखा था मैंने, इसमें पानी नहीं है अभी, तो साथ में इन सबको एक साथ भून लें। राई और जीरा से तड़कने की आवाज़ आ रही है। अब पहले से भून कर रखी हुई अदरक और हरी मिर्च यहाँ पर डालें। अदरक और हरी मिर्च वापस से यहाँ पर भुनेगी, जिससे मॉइस्चर बिल्कुल ही सूख जाएगा और इसके ख़राब होने का डर खत्म हो जाएगा। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट फ्राई करें। फिर 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालकर धीमी आंच पर ही इसका कच्चापन निकलने तक फ्राई कर लें। अब स्वादानुसार नमक डालें। जितना चूड़ा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग नमक लें। मिक्स कर लें। फिर पोहा यानी कि चूड़ा डालना है, तो चूड़ा यहाँ पर जो मोटा होता है ना, वो इस्तेमाल करें। पतला चूड़ा इस्तेमाल ना करें, नहीं तो वो चूर हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर अच्छे से मिक्स करें। देखिए कलर कितना वाइब्रेंट आया है। अब इसे ठंडा होने दें, जिससे इसे चटपटा बनाने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स कर सकेंगे। ये ठंडा हो चुका है, तो पसंद हो तो 1/4 चम्मच पीसी हुई चीनी और अमचूर पाउडर इतना ही डालें। पीसी हुई चीनी अगर गर्म में मिलाते तो ये पिघल जाती, गर्म होकर अच्छे से मिल भी नहीं पाती। अब ये रेडी है। इसे एयर टाइट बॉक्स में भरें और लिड को अच्छी तरीके से लगा दें। पोहा प्रीमिक्स से पोहा बनाने में आगे बताती हूँ। इस तरीके का केटल आपको हॉस्टल्स में, होटल्स में, साथ ही ट्रेन्स में भी मिल जाता है। पानी गर्म करें और एक लंच बॉक्स में ज़रूरत के अकॉर्डिंग पोहा प्रीमिक्स और उतना ही खौलता हुआ पानी इसमें डाल दें और लिड लगाकर कवर कर दें। 3 मिनट में ही ये पोहा प्रीमिक्स से ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश पोहा तैयार हो जाता है। एक बार फ्लफ करते हुए मिला लें। इस पोहा प्रीमिक्स से तैयार किए हुए पोहा का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बना है, साथ ही गर्म है। पसंद के अनुसार बारीक कटी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, नींबू के रस से गार्निश कर सकते हैं। तैयार इंस्टेंट पोहा प्रीमिक्स फ्रिज से बाहर 1 महीने और फ्रिज में 2 से 3 महीने अच्छा बना रहेगा। इस यूजफुल रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लें।